अच्छा इतना जल्दी जल्दी सब मिल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्या आगे जिंदगी में, कुछ सस्पेंस या प्लॉट ट्विस्ट तो नहीं है, ऐसा फीलिंग आती है। एक तो देसी वर्ड लोगों ने ना इतना मतलब ये कर दिया है ना, एक्चुअली देसी होना बहुत अच्छी बात है, प्राउड है, देसी वर्ड वो यूज कर दिया लोगों ने। मैंने एक वो बाप पकड़ा है जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहे, रिलीजन और पॉलिटिक्स, इनको मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा। कॉन्ट्रोवर्सी से आने वाला पैसा और कॉन्ट्रोवर्सी से आने वाला फेम भाई नहीं चाहिए। जब से ये इन्फ्लुएंसर वर्ड मार्केट में आया ना, मेरा तो मन उड़ गया है। मतलब मेरे को कोई इन्फ्लुएंसर बोलता ना भाई, इन्फ्लुएंसर गाली दे, इन्फ्लुएंसर मत बोलना। हमारी चुप्पी पे हमें गालियां पड़ती है, हमारे बोलने पे गालियां पड़ती है, एक साइड से गाली पड़ेगी तो दूसरे साइड से गाली पड़ेगी, हम सिर्फ गाली खाते रहते। क्यों? क्योंकि हम फेमस है। मेरी जिंदगी में एक ही एम था कि मैं अपने डैड से एक रुपया नहीं लूंगा। He is indeed the OG funny guy of YouTube, and he started way before content creation became the new cool. And today, after years of hard work to make people laugh, he sits comfortably on the milestone of completing 25 million subscribers on YouTube. So Ashish, pehle to 25 million subscribers, and you are like the second Indian to achieve that. Kya matlab kya hai is matlab achievement ka for you? I think janta. इसका मतलब एक ही रहता है कि जनता आपको इतना प्यार कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है कि 2.5 करोड़ लोग सब्सक्राइब्ड है आपसे, एंड इट्स ड्रीमी, इट्स अ वेरी ड्रीमी अनरियलिस्टिक फीलिंग। ऐसे सपने आप सपने में भी नहीं देखो, वो मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा है। कीप पिंचिंग माय सेल्फ एवरी डे, आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव सो मेनी पीपल, आई हैव अ स्टेज सो दैट सो मेनी पीपल आर वॉचिंग, एंड विद एवरी माइलस्टोन my journey will always be upward. I'm not talking about the numbers, I'm talking about my content. I will always have to go up and I'll do that. Okay. And like you and Carrie are the only two people in this exclusive club that you kind of have now of 25 million subscribers. So abhi tak kuch celebration hua aisa sirf aap dono? I don't think Akash koi club hai, but yeah, aisa obviously hamari baat hoti hai. Main sachi bataun Akash kaisa hai, hum log bas आप में और मुझ में यही फर्क है, हम लोग सेम ही है, बस हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा है, हम थोड़ा ज्यादा फेमस है। हम सच्ची में कोई सेलिब्रेट नहीं करते इतना, बट अभी नाउ दैट यू टेल मी, आई विल टेल कैरी कि हम दोनों ही है ये क्लब में, उसको बोलूंगा बात आ जाएगा। या ऑब्वियसली बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी। हाँ बट हमें लगती नहीं है, हमें क्या लगता है कि हाँ हो गया, चलो भी आगे बढ़ो, डर लगता है, एक डर रहता है कि अच्छा यहाँ तक पहुंच गए, क्या इतनी चीजें देख ली है ना कि सेलिब्रेट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। फिर अच्छा इतना जल्दी जल्दी सब मिल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्या आगे जिंदगी में, कुछ सस्पेंस या प्लॉट ट्विस्ट तो नहीं है, ऐसा फीलिंग आती है। वैसे ही हमारे देश में तो एप्स बैन होने के प्रोसेस लगी रहती है, क्या पता कब क्या बैन हो जाए। इसीलिए मैंने अपना धंधा हर जगह सेट करके रखा है। फेसबुक पे भी एक पेज है, एक इंस्टाग्राम पे भी पेज है, एक यूट्यूब पे भी चैनल है, ट्विटर पे भी है, किधर ना किधर अपना धंधा चला लेंगे। या कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई। एंड लाइक आपने स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन लाइक जब इट वाज नॉट लाइक अ कॉमन कल्चर जो अब है, सो वो बग आपको कहां से आया? मैं आपको बताऊं, मुझे आकाश हमेशा से एक्टिंग करना था, ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। आई वाज इन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एंड I used to be this class clown guy all the time. I remember this, people used to love to come and sit and have a conversation with me because I was straight up me. कोई filter नहीं था, and जब भी कोई परेशान होके frustrated होके मेरे साथ बैठता था तो मैं उसको थोड़ा हंसा देता था, एंड मैं हंसाने की कोशिश नहीं करता था, मैं बस बात करता था एंड वो हंसते थे, उनको ऐसा लगता था चलो ये अपने जैसा आदमी। बस वही से मुझे ऐसा फीलिंग आया कि यू नो कि मेरे में एक एंगेजिंग क्वालिटी है, मुझे किसी से बात करना बहुत बढ़िया आता है, मुझे कॉन्वर्सेशन अच्छा आता है, आई शुड यूटिलाइज दिस। एंड एक क्या होता है कि आपको समझ आ जाता है कि 20 में से 15 लोग तो आपको सुन रहे हैं, तो आप में एक टेस्ट तो है जो शायद एक कॉमन पब्लिक को जा सकती है। तो बस उसी से आइडिया आ गया कॉलेज में कि यू नो आई शुड मे बी मेक कॉन्टेंट। तभी किसी ने सुना भी नहीं था कि लोग वीडियो के थ्रू एंटरटेन करते हैं, एक्सेप्ट द बिग पीपल, ये जो AIB TBF थे, ये हमारे लिए वो थे एकदम ऐसे, अरे बाप रे इनके साथ कभी काम करने मिल जाए, मेरा तो सपना था
तो उनसे थोड़ा सीखा, थोड़ा तन्मय भट्ट से सीखा, थोड़ा मैंने इंटरनेशनल वाइनर्स से सीखा था, तभी वाइन ऐप आया था, तभी ये सब ये लोगन पॉल जो अभी बॉक्सिंग कर रहे हैं ये लोग तभी वाइन्स बनाते थे। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार इंडिया में क्यों नहीं है कोई, इंडिया में भी होना चाहिए। तो बस उनको देख के चालू किया, पहले 3 वीडियो मैंने कॉपी किए थे जो कि बिल्कुल नहीं चले। उसके बाद मैंने सोचा यार अपने देश, अपना देश का क्राउड इंडियन है, देसी है, एंड देसी इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट दैट एकदम ऐसा विलेज वाले देसी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज अ देसी, यू लाइक मसाला। तो एक तो देसी वर्ड लोगों ने ना इतना मतलब ये कर दिया है ना, एक्चुअली देसी होना बहुत अच्छी बात है, प्राउड है, तो देसी वर्ड ओवर यूज कर दिया लोगों ने, बट वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को मसाला पसंद है, ठीक है। तो वो मसाला मुझे लगा कि हाँ ये देना चाहिए, मतलब मैंने पहला वीडियो बनाया मैगी को, अभी मैगी इंडिया में ही मिलती है आपको मालूम है बात, तो मैगी की मैगी का मसाला नहीं मिल रहा है, रो रहा है वो, ओम शांति ओम का गाना चल रहा है, वो बहुत चल पड़ा। बस मुझे तब रियलाइज हुआ कि हाँ अभी अपने को यही खेलने का है, जो देश में लोगों के साथ अपने इंडियन लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रही है उसको पकड़ना है, रिलेट करवाना है, और होते गया। दिस वॉज बिफोर जियो, मतलब तभी 1000 फॉलोअर होना आपको मालूम है, वो ब, 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 वो पेरेंट्स बोलते ना हमारे पास 10 रुपए थे, आज के कितने हुए मालूम है, ऐसे वो 1000 फॉलोअर कीमत, बाप रे बाप। मैं इंस्टा पे 400 वाला हूँ तो मुझे 1000 की अभी भी कीमत पता है। जैसे आपकी वीडियो में इतने कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशली लाइक द मम्मी और द डैडी, तो जैसे अभी तो आपके माँ बाप समझ जाते होंगे कि ठीक है समथिंग यू आर डूइंग गुड, बट शुरू में जब आपने किया तो डांट पड़ी घर से कि मतलब तुम कैसा पोर्ट्रेट कर रहे हो हमें। एक बार मम्मी से मेरे को डांट पड़ी थी, यूजुअली सब मेरे को यही सवाल पड़ते कि आशीष आप गालियां देते, आपके पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, आप काम करते था। नहीं उधर मेरे को कुछ किसी ने नहीं बोला, लेकिन हाँ ये आपने जो सवाल किया है पहली बार मैं कहना चाहूंगा इसमें मेरे को डांट पड़ी थी, मम्मी से डांट पड़ी थी। ये क्या है मम्मी, रिलेटिव क्या समझेंगे आशु की मम्मी ऐसे करती रहती। मैं बोला मम्मी शांत हो जा, मम्मी ऐसा नहीं है, मैं तेरे लिए डिस्क्लेमर डाला है कि एक वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है वो काल्पनिक है, मेरी माँ बहुत प्यारी है, मेरी माँ इतनी प्यारी चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है, बट हाँ अपने बच्चों के सामने तो मम्मियां चिल्लाएगी ना। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसा सारा टाइम तू ऐसा सारा टाइम नहीं करती है, मेरी माँ वाली कैरेक्टर सारा टाइम ऐसा करती है, तू ऐसा ये मत कर मम्मी। वैसे मम्मी को समझाना पड़ता, तब जाके मम्मी समझेगी हाँ फिक्शन इज फिक्शन, रियलिटी इज, बस थोड़ा इंस्पिरेशन है और कुछ नहीं, बस थोड़ा। तो सारे कैरेक्टर में से लाइक विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर टू डू और समथिंग लाइक मे बी अ न्यू कैरेक्टर दैट यू वांट टू इंट्रोड्यूस? वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स विल ऑलवेज बी दिस बाप वाला कैरेक्टर, बाकी सब कैरेक्टर्स तो ऐसा ठीक है हाँ दिखाए गए, लेकिन ये जो बाप का कैरेक्टर है ना, मेरा एक अलग स्टाइल है बाप के कैरेक्टर का, काफी लोग बाप के कैरेक्टर प्ले करते हैं, भुवन प्ले करता है, मुझे एक चीज अच्छी लगती है भुवन जो डैड दिखाता है वो भी एक बहुत रिलेटेबल डैड है, वेरी वेरी मीक, वेरी शांत और थोड़े घबराए हुए डैड, जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मैंने एक वो बाप पकड़ा है जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, एंड वो बाप जो है वो फ्रस्ट्रेशन में इतना सैवेज हो जाता है, मतलब उसने जिंदगी देखी है, उसने डायनासोरों से ज्यादा जिंदगी देखी है, वो बाप का कैरेक्टर ऐसा है कि तू मेरे से बात मत कर, मैं तेरे को सिखाऊंगा जिंदगी में क्या चीज। तो आई लव दैट कैरेक्टर, उसके कमबैक्स, उसका स्टाइल, एंड उनका जो बोलने का तरीका है कि अरे बेटा मैं बताता हूँ तेरे को क्या होता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। न्यू कैरेक्टर आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ डॉन टाइप कैरेक्टर, आई वांट टू प्ले अ डॉन टाइप कैरेक्टर, यू नो, बट अ वेरी स्टूपिड डॉन, नॉट लाइक दिस इज अ डॉन हू इज लाइक हू थिंक्स ही इज डॉन बट ही इज नॉट, ऐसा कुछ मेरे को प्लान है, लेट्स सी कर पाऊंगा कि नहीं। So like, आपका धंधा कह लो एक तरीके से इट्स कॉमेडी, एंड आज के टाइम पे इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशन टू बी इन, सो तो कभी कभी डर लगता है कि आज जो निकाल रहे हैं वीडियो डालने से पहले कि पता नहीं क्या हो जाए उसका? कभी नहीं, मैं बताऊं क्यों आकाश, क्योंकि मैंने एक रूल बना दिया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स इनको मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स से भी और रिलीजन से भी, सो उसको टच नहीं करना चाहिए हमेशा से। इवन बिफोर आई स्टार्टेड मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि आशीष ये चीजों में कभी कुछ मत बना,
the closest I've been to a religion is showing festivals. आप समझ रहे हैं उनको बहुत मैं बहुत मुझे फेस्टिवल्स में बहुत मजा आता है. दिवाली हो गई, होली हो गई, जो मेरे फेस्टिवल है, तो उसमें भी हम ऐसी चीजें बनाते हैं कि अच्छा ये फेस्टिवल में एक इंसान कितना एंजॉय करता है या ये फेस्टिवल में क्या क्या कॉमेडी हो सकती है, रैदर देन हमें उसके अगेंस्ट बनाना. तो ये एक चीज है, एक वो रूल बना दिया है. हाँ कभी कभी ऐसा डर लगता है कि ये डाल दिया तो यार लोग क्या सोचेंगे, ये डाल दिया तो उससे ये कनेक्शन से वो बात तो नहीं सकी, ऐसा ऐसा दिमाग में चलता रहता है. बट थैंकफुली कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल हुआ नहीं है ना कभी आगे होगा. कंट्रोवर्सी से तो मुझे सख्त नफरत है. कंट्रोवर्सी से आने वाला पैसा और कंट्रोवर्सी से आने वाला फेम भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. एंड जैसे आज के टाइम पे लाइक अ लॉट ऑफ पीपल ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज क्लेमिंग टू बी ईदर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है. तो इस एनवायरमेंट में डू यू फील लाइक जो टर्म है कंटेंट क्रिएटर, जो प्रोफेशन इट यूज्ड टू बी, इट हैज काइंड ऑफ डाइल्यूटेड द मीनिंग ऑफ इट, बिकॉज नाउ एवरीबॉडी इज लाइक कुछ भी करके उसको कंटेंट का नाम दे देते हैं. हाँ ये बात मैं आपसे एग्री करूंगा, डाइल्यूट हो चुका है. एंड इसकी वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे ऐसा लगता है जो जेन्युइन लोग है ना, जो जेन्युइन बेचारे टैलेंटेड लोग है ना, वो बाहर नहीं आ पाते. एंड मुझे ऐसा लगता, एक तो सारे एप्स ने सबको एडिटर बना दिया. आप टिकटॉक बोलो, आप टिकटॉक तो चलेगा, चलो अभी आप इंस्टाग्राम बोलो, रील्स आ गए, सब एडिटर बन गए. सबको सबको ऐसा लगता है कि आप घर बैठ के अभी वो वायरल हो सकते हैं. लेकिन यही प्रॉब्लम है, वायरल वो होते हैं जो कभी ये सोचते नहीं है कि मुझे वायरल होना है. सबसे बड़ा की यही है कि अगर आप में टैलेंट है, आपको कुछ करना है, बहुत दिल से बनाता, आपको दिल है, मेरे को ये अभी आपका ऐसे दिल है कि मेरे को ये दिखाना है कि एक बाप और एक माँ में क्या झगड़ा होता है. मेरे घर पे भी झगड़ा हुआ है, मैं ये दिखाऊंगा. मुझे पड़ी नहीं है कि वायरल हो नहीं हो, मैंने वो बना के डाल दिया और वो वायरल हो गया. वो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि उस पर आपने 100% अपना दिमाग डाला, ना कि आपने चार लोगों को देख के मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, मैं भी सोशल मीडिया. तो इन्फ्लुएंसर वर्ड से मेरे को बहुत नफरत है, मैं आपको सच बता रहा हूं. जब से ये इन्फ्लुएंसर वर्ड मार्केट में आया ना, मेरा तो मन उड़ गया है. मतलब मेरे को कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है ना, भाई इन्फ्लुएंसर गाली दे, इन्फ्लुएंसर मत बोलना, क्योंकि मैं कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट करता हूँ. और अगर इन्फ्लुएंसिंग वाली चीज आती है तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसको अवेयरनेस का नाम देता हूँ. मुझे लगता है हाँ मैं अवेयरनेस फैला सकता हूँ, मैं लोगों को थोड़ा सा अपने फॉलोअर्स को एक अच्छी सीख दे सकता हूँ. इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसर्स भाई, इन्फ्लुएंसर अब्दुल कलाम जी थे इन्फ्लुएंसर, गांधी जी थे इन्फ्लुएंसर, हम इन्फ्लुएंसर नहीं है भाई. अरे वर्ड ही खराब कर दिए. मैं अभी पूछते हुए भी मैं एयर कोट यूज करने वाला था, वो तो मैंने हाथ नीचे कर लिया. मुझे ऐसा लगता है कि भाई बोला मेरे को गाली दो, मैं बोलो भाई तू अनफनी है, ठीक है ठीक है, सी वाली गाली दे दो, लेकिन ये मत बोलो मेरे को बिल्कुल. आपने सुना होगा काफी काफी लोगों को नहीं पसंद. इट्स लाइक क्या हो गया ना, इन्फ्लुएंसर वर्ड है ना बिजनेस बन गया. मतलब इन्फ्लुएंसर मतलब बिजनेस. अभी एड करेगा, अभी प्रमोशन करेगा, जाएगा फ्री में खाना खाएगा. नाम खराब हो गया. नाम खराब हो गया पता है बहुत लोगों की वजह से. और एक तो सबको लगता है कि चलो 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 मैं भी इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा. मेरे बाजू वाली पिंकी जो है उसको अभी 2000 फॉलोअर हो गए, मैं भी बनूंगा. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बट मैं फिर किसी को जज नहीं करता. अभी मैंने बोल दिया ऐसा, मैं ऐसे बोलता हूँ. मैं एक को कभी कभी मैं ऐसा ऑनेस्टली बोल देता हूँ, देख भाई तू वो कर जिसमें तू अच्छा है, तू बहुत आगे बढ़ेगा. तू वो मत कर ये सोच के कि भाई तेरे को फेम मिलेगा, कल तू भी बहुत फेमस हो जाएगा. मत कर भाई, मैं ये बोलता हूँ. बट उनको फिर भी मन रहता है तो मैं बोलता हूँ, who am I to stop them? Go ahead, live your life, it's your life. एंड जैसा आपने कहा कि मतलब एक इंसान कोई वीडियो बनाएगा, वायरल होगी, फिर उसपे चार लोग और बनाएंगे टॉपिक, वही खींचता चला जाएगा. अभी मैं आपको एक बात बताऊं, कैरी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड रोस्टर. बहुत बढ़िया रोस्टिंग करता है. कैरी का बात करने का तरीका, मुझे लोग कितना भी बोले कैरी रोस्टिंग, आई थिंक इज अ फैबुलस एडिटर. उसकी एडिटिंग में जो दम है, जो तरीका है, एक कैरी का एक फ्लेवर होता था 2017-18-16 वाला, क्या एडिटिंग करता था. मेरे ख्याल से वो जो उसका पावर है ना, उसके थ्रू वो बहुत बढ़िया रोस्टिंग करता. अब सब उसको देख के वही करना चालू हो गए, क्योंकि सबको दिखा कि कैरी को जबरदस्त बूस्ट आया. आई डोंट थिंक इंडियन डिजिटल इंडस्ट्री हिस्ट्री में किसी इंसान को इस तरह का गेन आया होगा. उसको देख के सबने वही चालू कर दिया. और वो खुद, वो मैं, भुवन,
हम सालों से एक ही चीज कह रहे हैं कि आपको हमें कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, हमें आपका हमें आपको देखना है, हमें हमारी दूसरी कॉपी नहीं देखनी है। एंड इतिहास गवाह है, जो भी दूसरे को कॉपी नहीं करता है, जो भी कुछ न्यू करने की कोशिश करता है वही ऊपर आता है। जितने भी लोग आप हर्ष बेनेवाल ले लो, आप ब्यूनिक ले लो, प्राजक्ता कोहली ले लो, आजकल तो नए भी आए रील्स पे कंटेंट क्रिएटर्स आए, सौरभ करके एक लड़का है, ये सब जितने भी लोग हैं ना, इनकी एक अपनी पहचान है, अपनी पर्सनैलिटी। अगर आप वो भी क्या हो गए बाहर, पब्लिक को बहुत मजा आएगा। अगर आपको दो दो आशीष चंचलानी देखने मिल रहे तो पब्लिक तो बोरी हो जाएगी ना। ऑब्वियसली लाइक लास्ट ईयर, जैसे मेनली लास्ट ईयर के बाद, जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक ने तो सब कुछ एक तरीके से ओवर इतना कर दिया था उस टॉपिक को, लाइक थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, सब कुछ गुस्सा था। मैं कह रहा हूं दैट वाज एक्चुअली व्हाट गेव अ बूस्ट टू कैरी आल्सो, एंड द कैरी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। या एंड नॉट द वीडियो, बट द वीडियो गोइंग अवे वाज द थिंग दैट काइंड ऑफ बूस्टेड एवरीथिंग। आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया एक पॉइंट के बाद। मैं कैरी के वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब टिकटॉक का और हुआ। कैरी ने तो अपना काम किया, बढ़िया वीडियो बनाया। उसके बाद जो व्हाट फॉलोड आफ्टर दैट, जो टॉक्सिसिटी आ गई इंटरनेट पे, मुझे मेरे ख्याल से लोगों ने उसको ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, एंड टिकटॉकर्स को और कॉन्टेंट क्रिएटर्स को बहुत गाली पड़ी। प्रॉब्लम उस बंदे की थी जिसने चालू किया था, जिसने यू नो, देखो उसको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए था, दोनों अलग प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म है। फिर उसने कंपेयर किया, फिर ऐसा चैलेंज किया, फिर ऐसा ब्रांडिंग में आए, इन्फ्लुएंसिंग पे आए, तो पब्लिक भड़क गई। ऑब्वियसली आप एक स्क्रिप्टेड, बहुत ही मेहनत किए हुए 10 मिनट के स्केच को एक 15 सेकंड के वीडियो से कंपेयर करेंगे तो दैट इज वेरी फुलिशनेस, दैट्स अ वेरी फुलिश थिंग। आप अगर इंस्टाग्राम के एक 15 सेकंड के वीडियो को टिकटॉक से कंपेयर करते तो शायद इतना नहीं, पब्लिक बस भड़क गई। भड़क गई इसके बाद तो भाई आपने देखा ही क्या हुआ। ऑब्वियसली सो लाइक जैसे अब आप एक काइंड ऑफ पब्लिक फिगर हो जाते हो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस इन दिस बिजनेस। तो जैसे आजकल बहुत वो हो गया कि पीपल अक्यूज दीज सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज टू बी बीइंग सिलेक्टिव इन रेजिंग देयर वॉइसेस इन टॉकिंग अबाउट इश्यूज। सो आपको बहुत बोलते होंगे लोग ऐसे। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाई है। आकाश कैसा है कि अगर आप नहीं बोलो तो बोलेंगे आप बोल नहीं रहे हो, आप बोलो तो बोलेंगे तुम क्यों बोल रहे हो, तुम तो कॉमेडियन हो, बोलोगे तो दूसरा साइड बोलेगा कि तुमने हमारे लिए नहीं सोचा, और दूसरे साइड के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे तुम कूल बन रहे हो जो चीज चल रही है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, हर दिन मुझे 4 लोग गाली देंगे और बोलेंगे तू इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है, यू आर एन इन्फ्लुएंसर। एंड मेरा ये कहने का मन करता है आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम सॉरी, इट्स नॉट माय जॉब, आई एम जस्ट अ कॉमेडियन, आई एम जस्ट एन एंटरटेनर। जस्ट बिकॉज आई हैव मोर फॉलोअर्स आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम मेकिंग, आई विल मेक श्योर इफ आई हैव टू गिव अ मैसेज, इफ आई हैव टू डू समथिंग आई विल मेक श्योर आई पुट इट इन माय कंटेंट समवेयर। बट टॉकिंग अबाउट इट, आशीष चंचलानी टॉकिंग अबाउट इट वन चेंज अ थिंग, मेरे भूलने से मेरे ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। मुझे उनको बताते Yes, अगर सब आ रहे हैं एक साथ, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है, अगर उस पे एक कड़ी जुड़ जाए, आशीष की कड़ी हो गई या भुवन की या कैरी की, अच्छा ये भी आ रहे, हमारे अकेले से कुछ नहीं होगा। जिधर सही लगता है हम करते, बट पब्लिक को ये बात समझ नहीं आती कि अगर हम सही करने भी जाते ना, हमको इतनी गालियां पड़ती है, इतनी हमारी चुप्पी पे हमें गालियां पड़ती है, हमारे बोलने पे गालियां पड़ती है, एक साइड से गाली पड़ेगी तो दूसरे साइड से गाली पड़ेगी, हम सिर्फ गाली खाते रहते हैं, क्यों, क्योंकि हम फेमस है। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे आपने जो ये पॉइंट निकाली आज, मैं फर्स्ट टाइम कोई प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहा हूँ कि क्यों हमें क्यों गालियां दे रहे हैं आप, हम भी तो कॉमन पब्लिक से आए हैं, आप हमारी जगह पे आके देखिए, एक आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है, पहले जोश जोश में आप उस प्रॉब्लम पे बात कर लोगे, कल को आपको पता चला कि वो प्रॉब्लम की एक दूसरी पहलू है, फिर वही लोग आपको गाली देंगे कि देख भाई तू क्या बोल रहा था 4 दिन पहले, ये देख चीज चेंज हो गई है अभी बोल, फिर आप उस पे बोलो कि भाई मेरे से गलती हो गई, देखा इसने माफी मांगी, ये देख इसने माफी मांगी, फिर हेडलाइन आ जाएगा माफी मांगी इसने अपनी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर दी। हिपोक्रेसी कौन सी हिपोक्रेसी भाई, ये तो सिर्फ बात किया था, एक चीज दूसरी चीज से कड़ी जोड़ जोड़ के पॉलिटिक्स में घुसेड़ना, ये विंग वो विंग, मुझे ऐसा लगता है भाई, मैं आपको बताऊं आई एम द लीस्ट पॉलिटिकल पर्सन, आई एम द लीस्ट, मुझे दूर रहना, जो चीज है भी नहीं उस चीज को ढूंढ ढूंढ के निकालना, अच्छा इसने ये बोला है, अच्छा मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ, महीनों पहले इसने ये बोला था, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये पक्का ऐसा है,
कड़ी से कड़ी जोड़ के कंक्लूजन देना, जजमेंट देना, मैं तो परेशान हो गया हूँ। और अब ऐसा है कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं चुप रहूंगा, मैं चुप रह के गालियां खाऊंगा, रैदर देन मेरा जीना आराम कर दे लोग, मेरी जिंदगी में चलेगा। And like this is my personal point of view, जो मुझे लगता है कि not just like social media celebrity but people like in Bollywood or actors or anyone who is in the public eye, उनका काम effect होता है if they raise their voice, सब effect हो जाता है सब कुछ। And तो जो लोग घर पे accuse कर रहे हैं, तुम्हारे को फर्क नहीं पड़े, तुम्हारे घर पे income आ रही है, वो अपना एक statement से वो उनका income रुक जाएगा। So I तो even when I do interviews I don't ask people. Exactly. देखिए पब्लिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है, जो आम जनता है, एक आम जनता अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है, बिकॉज सोशल मीडिया इज नॉट देयर सोर्स ऑफ इनकम, उनकी जिंदगी में कुछ और है। हम अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू एक ट्वीट हो गया या पोस्ट हो गया, वो हिस्ट्री में हमेशा उधर रहेगा। अगर वो डिलीट भी किया तो उसका स्क्रीनशॉट रहेगा और उसे सारी जिंदगी आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, सारी जिंदगी। तो क्यों हम अपने खड्डे खोदे अपने लिए, क्यों हम अपनी कबर खोदे? हाँ मेरे बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज है, मेरे बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को, मैं उसे पर्सनल लाइफ में डिस्कस करता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करता हूँ, जिधर बेसिक लगता है। अभी कभी स्टूडेंट्स ने कह दिया, स्टूडेंट्स को एग्जाम कैंसिलेशन में, मैं एक स्टूडेंट था तो हाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आ सकता हूँ, जिसमें मैं ट्वीट कर सकता हूँ, उसमें भी रिस्पेक्टफुली गवर्नमेंट को ट्वीट कर रहा कि देखिए ये मेरी रिक्वेस्ट है, रादर देन बीइंग वेरी नहीं 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 तुम लोग गलत हो, सब ऐसे हो वैसे हो वैसे हो, बहुत प्यार से एक स्टूडेंट के साथ है हम, आपसे रिक्वेस्ट है। उसमें भी लोग निकालते हैं कि तुमने गवर्नमेंट के आगे इस बात कैसे की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यही चीजें होती है, बट मैं ऐसा लगता चलो जितना मेरे से होता था मैंने की, अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी बार स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है, उसके बाद भी कोई एक इशू आएगा उस पे वो सब भूल जाएंगे कि कितनी बार सपोर्ट किया, गाली देंगे कि तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो जिस बंदे ने वो ट्वीट किया उसने देखा नहीं है मैंने पहले किया है। ऐसे कितने लोग हैं, न्यू लोग ऐड होते जाएंगे और गाली, अभी क्या करें हम, आई एम इन अ वेरी स्टिकी सिचुएशन, वो एवरलास्टिंग, आई एम इन अ वेरी स्टिकी सिचुएशन, व्हाट टू डू। मुझे तो कभी लगता है आओ भाई देखो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की दुख भरी दास्तान देता हूं, आओ बैठो देखो, क्रेजी मैन, ये खत्म नहीं होनी है तो साइकिल चलती रहेगी। हाँ क्या करें, बट दिल से मैं आपको बताऊं, दिल से जो भी लोग चुप है ना वो दिल से अच्छे है, बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, इसका कोई सलूशन नहीं, कोई सलूशन नहीं। एंड लाइक टॉकिंग अबाउट सोर्स ऑफ इनकम सोशल मीडिया और यूट्यूब इन योर केस, सो लाइक हमारे जो पिछले जनरेशन, बी इट आवर पेरेंट्स स्पेशली, दे डोंट यूज टू कंसिडर दिस एज अ स्टेबल जॉब, सो हमें भी बचपन से वही थोड़ा माइंडसेट दिया जाता है। तो वेलकम स्टार्टेड लाइक अर्निंग इन दैट, कभी वो आया दिमाग में अप्रिहेंशन की ओके दिस माइट नॉट बी अ लाइक लॉन्ग लास्टिंग थिंग, इट माइट नॉट बी अ स्टेबल थिंग, एनीथिंग शुड आई डू ऑन द अदर साइड? आया था आकाश, बहुत बार आया था, मतलब एक ऐसा पॉइंट था लाइफ में वेयर आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्विट एंड आई वाज फेमस, आई हैड अ मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, इवन देन आई वाज अबाउट टू क्विट बिकॉज मुझे पैसे नहीं आ रहे थे, मैं कमा नहीं पा रहा था। तभी बस नया नया ब्रांड एंगेजमेंट एडवर्टाइजिंग थ्रू क्रिएटर्स चालू हुआ एंड आई वाज नॉट एबल टू क्रैक इट, वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को जाता था, हमारे पास कोई अप्रोच ही नहीं करता था, क्योंकि उनको लगता था कि अच्छा ये घर पे एक फोन से बैठ के मोबाइल से इसने कॉन्टेंट बनाया है, ये क्या ही हमको देगा। जब तक वो आके टेस्ट नहीं करे कि उनको कितना फायदा पड़ सकता था हमसे, तब तक आई डिड नॉट हैव स्टेबल मनी। एंड of course I am from a very well to do family, but we have had our share of problems. My dad went through a problems. When you have a big family, when you have a big house, and if your income stops, you have a very big problem. You have to maintain your house, you have to maintain that lifestyle. My dad went through a lot, so all my meri zindagi mein ek hi aim tha ki main apne dad se ek rupya nahi lunga, because he has already been through, he has made my life, he has given me a life. Now it's my responsibility, he's made so much for me that at least I should stand on my own feet. तब ऐसा लगा था कि अच्छा ये मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा अभी, and all I have to do, मेरे को फिर अभी dad के का ही मदद लेना पड़ेगा, उनके कोई business में जाना पड़ेगा, which I absolutely hated, not because I hated the business, but because I hate being dependable on someone, even if it's my mom dad. एक age तक चलता है
उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आई कांट डू दिस, आई एम सॉरी, शर्म आती है. तो बस वही था. एंड सडनली मेरी जिंदगी में एक ब्रांड आया. फिर मैंने सीखा, मुझे 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 इसके बारे में सिखाया था बियोनिक ने, निकुंज ने. ही वॉज द गाय हु एक्सप्लेन मी हाउ दिस वर्क्स, हाउ ब्रांड एंगेजमेंट वर्क्स, व्हाट यू कैन डू. पहले मेरे को बहुत डर लगता था, मुझे बहुत डर लगता था एडवर्टाइज करने में. लोग क्या सोचेंगे यार ये एडवर्टाइज कर रहा है, छोड़ देंगे वीडियो देखना. बट ऐसा नहीं हुआ, मेरी जनता ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, आज तक कर रही है, आज तक एड्स देखती है मेरे वीडियो में, आज तक मेरे ब्रांड इंटीग्रेशन देखती है. एंड मैं भी उनसे ओपनली कहता हूँ कि देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने, मेरे भी सपने हैं. एंड वो सपोर्ट करते. तो ये चीज हुई, मैं क्विट कर रहा था ऑलमोस्ट, देन इट हैपेंड, देन आई स्टार्टेड अर्निंग. एंड फाइनली जब मैं स्टार्ट किया अर्न करना, मेरे माँ बाप को ये रियलाइज हुआ कि ओ माई गॉड, दिस इज अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री. हम इसे हल्के में ले रहे थे, यही चीज हमारे बेटे के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली. एंड आज आप देखो, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. इंटरनेट इज व्हाट मेक्स बिजनेस, इंटरनेट इज कंप्लीटली डिपेंडेबल. तो मैं सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था मेरा लाइफ का, गिविंग माय टाइम इनटू सोशल मीडिया. आई लाइक आपकी जॉब के, इट हैज अ लॉट ऑफ पर्क्स, इट गिव्स यू सो मच एक्सपोजर एंड मेक्स यू मीट पीपल दैट यू अ नॉर्मल पीपल पर्सन वुड ऑनली ड्रीम ऑफ. लाइक अभी लेटेस्ट में देख रहा था, अभी आपका You interviewed Anthony Mackie and Sebastian Stan. Yes. So, like, ऐसी चीजें होती है. So, which was like the biggest interaction, the biggest perk you had because of your job that you could not believe, a meeting that you had with someone? Everything Marvel related and even Akshay Kumar. I think that's the biggest perk I had. I'm talking about everyone. एक तो ये Marvel के actors के साथ मिलना ना, it's like a dream come true. Seeing them, it's as if आप पिक्चर देख रहे हो अपनी जिंदगी में. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है उनको देख के, अच्छा फैंस ऐसा फील करते हैं अपने ऐसे फेवरेट को देख के, इसीलिए ऐसा होता है. एंड उनको देख के इतना सरियल फील होता है. सारे मार्वल के स्टार्स हो गए. जब आई मेट अक्षय कुमार, आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स बिकॉज आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम हिम. नाउ ऑल्सो इफ आई मीट समवन वो भी स्टार, फॉर एग्जाम्पल आई डिड अ वीडियो विद राजकुमार राव. आई वॉज हैविंग लंच विद हिम. I was sitting and having lunch with him. So I was just while having lunch, Varun Sharma the mere sath, Varun bhai, Rajkumar Rao, me. So main ek hi cheez sochi, fuck, main Frankie kha raha hu with Rajkumar Rao and Varun Sharma at a very big production house office, and we are just talking. We are not talking business, we are not talking collaboration. We are just talking about life, Bollywood, YouTube and content creation. So ye cheeze mujhe aisa bahut surreal lagti hai ki oh my, I never expected ki I would be here in life. Okay. And talking about Bollywood, like you must get a lot of offers, like because aate hain. But jaise Harsh kind of started with Student of the Year too, and he made the kind of like the funny sidekick. Will you be comfortable in doing such roles, or you want something good or better to come up before starting? Yeah, if you remove that funny character from the movie and it doesn't affect the storyline, I'm not going to play it. I'm sorry. I want to be part of it. That makes me feel like a part of it, rather than just a cardboard cutout in a movie. Harsh did a fabulous job. Harsh, ka jo confidence tha on screen, and I watched Student of the Year because of him, and I loved him. I enjoyed the film because of him. Yeah. I was very happy, and even Harsh was happy. But I think even Harsh thinks ki, you know, he deserved better. He deserved the talent Harsh possesses. Harsh deserved better, but it's okay. I think I'll always be proud of him. And main apni baat karu to, yeah, I would like to feature in something that's very important to me and the story. Agar koi mere paas mere talent ke liye aa raha hai, I would be really happy. Okay. This is the day I would be really happy. Rather than Ashish ko lete, iske paas 25 million subscriber hai, bahut zabardast publicity ho jayegi. Nahin. Okay. Is reason ke liye aa rahe ho, to mat aao yaar, mat aao. काफी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स है बॉलीवुड में जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि दे सी द टैलेंट इन यू एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट टू यू ऑन योर फेस कि नहीं तू ये बराबर नहीं कर रहा है, यू कैन डू बेटर. बट देन देर आर जस्ट पीपल हु जस्ट वांट टू कास्ट यू बिकॉज यू आर यू, विच इज वेरी सैड. सो आई डोंट वॉन्ट टू डू सच रोल्स. ऑल्सो पता है, पीपल एक्सपेक्ट कॉमेडियंस टू जस्ट बी कॉमेडियंस फनी. वी कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. मैंने एक वीडियो बनाया था द डीलर, वेयर आई प्लेड अ
very pervy pervert, a very bad pervert who was, you know, almost sexually harassing a girl. And I think, matlab, I gave my 100% into it, being a bad guy. Yeah. But it was for a comedy purpose only, for the video, so that Barkha could be savage to me. She could, matlab, mereko line pe laye. So we can play a lot of different roles, but we need to be given that chance. Yeah. Okay. So like, I'm running out of time, so I'll just ask this last question. So yeah, go ahead. Big Boss, it has kind of helped you earn a lot of money, I'll say. Like your video, last video on Big Boss was a huge hit. So yeah, aapko offer to aata hoga. I'm sure you must be getting offer. Kabhi haan hoga uske. नहीं, मैं को कभी मन नहीं था बिग बॉस. मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस में वो लोग जाते हैं जिनका करियर थोड़ा सा यू नो फेड हो गया है, दे वांट टू रिवाइव देयर करियर. बिग बॉस एक अलग ही जोन है. यस, उससे फैंस आते हैं, बहुत आते हैं. ये गलत होगा कहना कि यू नो बिग बॉस से तो फैंस ही नहीं आते. देयर इज एन ऑडियंस हु वॉचेस बिग बॉस, देयर इज एन ऑडियंस हु एंजॉयज बिग बॉस, बट नॉट माई जोन, आई वुड से. ऑल्सो आई कांट लिव विदाउट माई फोन. 3 महीने तो 4-6 महीने कर देते हैं लोग. I can't live with it because I have been raised, my career has been on phone, and I can't just go in there and survive without my phone. But Ashish, it was an amazing conversation I had with you. Yeah, Akash, and even I love you. Usually, आप इस साइड होते हो when you are interviewing celebrities. So hopefully, I did justice. To your part, usually it was fun, man. No, bro, I'm no celebrity. Never say that, bro. But it was fun, Akash. Your questions were really good, man. I really enjoyed having a word. ये तो हमेशा वही the same questions रहते, but you had some really kick-ass. You understood very well. आपने मेरे को समझा आपको क्या question करना है. It was very fun. I'm looking forward to this interview. Yeah, thank you so much, and really looking forward to seeing more of your projects, more of your content. Thank you, brother. And hopefully your Bollywood debut soon, sir. So, thank you, brother. After my Bollywood debut, we'll have another conversation. Okay. Yeah, sure. Thank you so much. Take care, Akash. God bless you, brother. Take care. Yeah. Bye.